डैनियल क्रेग बने सबसे महंगे 007 एक्टर, बॉन्ड 25 के लिए मिल रही इतनी फीस। डैनियल क्रेग बॉन्ड सीरीज की अगली फिल्म बॉन्ड 25 में एक बार फिर एजेंट 007 का किरदार निभा रहे हैं। ये खबर हम पहले ही आप तक पहुंचा चुके हैं, मगर जो नई खबर है वो आपके होश उड़ा सकती है। इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स की माने तो बॉन्ड 25 के लिए डैनियल क्रेग को जितनी फीस दी जा रही है वो बॉलीवुड के सुपर डुपर स्टार सपने में भी नहीं सोच सकते। इस रकम में मझले बजट की 10 बॉलीवुड फिल्मों का निर्माण हो जाएगा। फीस के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जानकारी दे देते हैं कि बॉन्ड 25 के निर्माताओं की ओर से भी अब डैनियल क्रेग के जेम्स बॉन्ड बनने की खबर की पुष्टि कर दी गई है। सोशल मीडिया के जरिए बताया गया है कि 007 के किरदार में डैनियल क्रेग 5वीं बार पर्दे पर आएंगे। इस फिल्म को डैनी बॉयल डायरेक्ट कर रहे हैं, जबकि जॉन हॉज का स्क्रीन प्ले है। फिल्म का प्रोडक्शन 3 दिसंबर 2018 से शुरू हो जाएगा। डैनियल 5 महीने शूटिंग करेंगे और अगले साल नवंबर में बॉन्ड 25 आपके बीच होगी। फिल्म के निर्देशक डैनी बॉयल को भारतीय दर्शक पहचानते ही हैं। डैनी ने भारतीय कलाकारों के साथ स्लमडॉग मिलियनेयर जैसी ऑस्कर अवार्ड विनिंग फिल्म बनाई है। अब आते हैं जेम्स बॉन्ड बने डैनियल क्रेग की फीस पर। इंटरनेशनल मीडिया से जो खबरें आ रही हैं, उनके अनुसार डैनियल को बॉन्ड बनने के लिए 50 मिलियन पाउंड यानी लगभग 450 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस ऑफर की गई है। इसके साथ उन्हें फिल्म में एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का क्रेडिट भी दिया जाएगा। डैनियल से पहले जेम्स बॉन्ड की फीस रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रेग को पिछली बॉन्ड फिल्म स्पेक्ट्रे के लिए 37 मिलियन पाउंड यानी लगभग 333 करोड़ रुपए अदा किए गए थे। इस फीस के साथ डैनियल क्रेग दुनिया के सबसे महंगे एक्टर बन गए हैं। अगर डैनियल से पहले के 007 एजेंटों की बात करें तो इनमें सबसे लोकप्रिय पियर्स ब्रोसनन रहे हैं, जिन्हें जात बॉन्ड फिल्में की हैं और 13 मिलियन पाउंड लगभग 117 करोड़ रुपए फीस दी गई। पिछले साल गुजर चुके एक अन्य लोकप्रिय जेम्स बॉन्ड रोजर मूर ने 7 फिल्मों में ये जबरदस्त किरदार निभाया है, जिसके लिए उन्हें 17 मिलियन पाउंड यानी लगभग 154 करोड़ फीस दी गई। टिमोथी डॉल्टन को 2 बॉन्ड फिल्मों द लिविंग डेलाइट्स और लाइसेंस टू किल के लिए 4 मिलियन पाउंड लगभग 36 करोड़ रुपए और जॉर्ज लेजनबी को ऑन हर मेजेस्टीज सीक्रेट सर्विस के लिए 72,000 पाउंड लगभग 64 लाख रुपए फीस दी गई थी। 1962 में शुरू हुई थी जेम्स बॉन्ड सीरीज। 1953 में ब्रिटिश उपन्यासकार यान फ्लेमिंग ने जेम्स बॉन्ड को गढ़ा और रचा था। जेम्स बॉन्ड हर फन मौला तेज तरार और हैंडसम एजेंट है, जो MI6 के लिए काम करता है और 007 कोड नेम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मिशनों में बॉन्ड को महारत हासिल है। बॉन्ड राजनीतिक और आतंकी साजिशों का भंडाफोड़ करता है, जिसके लिए उसे पूरी छूट है। जेम्स बॉन्ड फिल्मकार गैजेट्स और गर्ल्स के लिए भी जानी जाती हैं। जबरदस्त एक्शन और हैरतअंगेज कारनामे बॉन्ड की पहचान है। नीचे तस्वीर में आप इसके रचयिता इयान फ्लेमिंग को देख सकते हैं। जेम्स बॉन्ड दुनिया की सबसे लंबी चलने वाली फ्रेंचाइजी है, जिसकी शुरुआत 1962 में डॉक्टर नो के साथ हुई थी। लीजेंडरी एक्टर शॉन कॉनरी को पहला 007 एजेंट बनने का मौका मिला था 2015 में। आई स्पेक्ट्रे इस सीरीज की आखिरी फिल्म है, जिसमें डैनियल क्रेग 007 एजेंट के किरदार में नजर आए थे। बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही सीरीज बॉन्ड सीरीज की फिल्में दुनिया भर में लगभग 7 बिलियन डॉलर का कारोबार कर चुकी हैं, जो लगभग 47,500 करोड़ रुपए के बराबर है। शॉन कॉनरी और सर रोजर मूर 7 से 7 बार जेम्स बॉन्ड बनकर पर्दे पर आए हैं। रोजर मूर स्टारर ऑक्टोपसी की शूटिंग भारत में हुई थी और इसमें कबीर बेदी नेगेटिव रोल में नजर आए थे।